जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, Thank you.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gopala Nanda, Radha Gopala Nanda Radhe. Jaya Gaura Nithai, Gaura Nithai, Gaura Nithai, Jaya Gaura Nithai. Jaya Sita Rama Lakshmana, Hanuman Jaya Sita Rama Lakshmana, Hanuman. Jaya Jaya Raghunath, 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 Jaya Jaya Raghunath. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतहिष्टवान् ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री किष्किंधा क्षेत्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वकान्तिकम्।
वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पदकमल श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावभूतं पर्यसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णश्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्र पातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य गौरद्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धामवृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवतो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्र दरः न परः हे कृष्णकरुणा सिन्धो लीलबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराणी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। इस हम्पी यात्रा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप लोग सब बहुत कष्ट उठाकर विभिन्न स्थानों से यहाँ पर आए हैं, कोई दक्षिण भारत से तो कोई पश्चिम भारत से तो कोई उत्तर भारत से, मुझे नहीं लगता पूर्व भारत से कोई आए हैं, परंतु विदेश से भी आप में से अनेक भक्त आए हैं। हाँ, शायद पूर्व भारत से भी आए हैं। तो जहाँ से भी आप आए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये यात्रा बहुत ही कृष्ण भावना भावित होगी, या ऐसा कहना ठीक रहेगा कि राम भावना भावित होगी, क्योंकि हम राम लीला के स्थान में आए हैं। तो जब हम यात्रा में आते हैं तो यात्रा का मूल उद्देश्य होता है
भक्तों के संग में भगवान के विभिन्न तीर्थ स्थानों का या लीला स्थलियों का गुणगान करना, उनके बारे में श्रवण करना, उन स्थानों में जाना और पारंपरिक पद्धति से यात्राएं तपस्या से की जाती थी। आजकल हम लोग हवाई जहाज से आते हैं, रेलगाड़ी से आते हैं, वातानुकूलित गाड़ियों में बैठ के आते हैं, तो काफी सुविधाएं आजकल उपलब्ध हैं जो कि पहले उपलब्ध नहीं थी। और आजकल समय का अभाव है सबके लिए, इसलिए जैसे पहले लोग तपस्या किया करते थे, दक्षिण भारत से बद्रीनाथ पैदल गए, उस तरह का समय तो आज हमारे पास है नहीं। और समय होता भी तो ये यात्रा पैदल पूर्ण करना तो संभव नहीं है कलयुग के लोगों के लिए, आधुनिक काल के लोगों के लिए। तो युक्त वैराग्य के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए हम थोड़ी बहुत सुविधाएं स्वीकार करते हैं, परंतु उद्देश्य यही रहता है कि ये सारी सुविधाएं केवल इसलिए हैं कि हम अच्छी तरह से मन लगाकर यात्रा का पूरा लाभ उठा पाएं, और जब यात्रा समाप्त हो जाए तो हर्ष उल्लास के साथ बड़े दिव्य आनंद का अनुभव करके हम यहाँ से अपने अपने स्थानों में लौट कर जाएं। फिर भी वो जो एक मूल तप या तपस्या का एक भाव होता है वो रहना उचित है, चाहे हम सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हों या नहीं। तो यहां तपस्या किस तरह की होंगी, जैसे पुराने समय में लोगों की हुआ करती थी वैसे तो नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत तपस्या तो है। पहली बात तो है कि कष्ट उठाकर हम सब आए हैं यहां पर, और हो सकता है यहां पर गर्मी लगे, यहां पे मच्छर हो या ना हो मुझे पता नहीं, अभी तक तो मच्छर काटे हैं नहीं। और फिर इतने सारे भक्तों के बीच में रहना, आना जाना, इतना आवाज, हो सकता है प्रसाद हमारे पसंद के अनुसार हो या ना हो, फिर जगह जगह जाना होता है, एक क्रम होता है, यहाँ इस समय पे आइए, फिर उस समय जाइए, वहां कीजिए, ऐसे आइए, जल्दी आइए, जल्दी जाइए। तो एक साधन है ये भी, एक तपस्या है, अन्यों के साथ में मिलकर रहना, ये कलयुग में बहुत बड़ी बात है। वैसे भक्तों के संग के बिना हम रह नहीं सकते, और भक्तों के संग में आते भी हैं तो थोड़ी बहुत असुविधा भी होती है, क्योंकि सबके लिए कुछ न कुछ स्थान चाहिए, अन्यों की सुविधा को भी हमें देखना होता है, केवल हमारी सुविधा को नहीं। इसलिए कृपया ये याद रखिए कि हम जब आते हैं तो इस भाव से आए हैं, और अन्य भक्तों को सुविधा हो इस भाव से भी हम रहे यहां पर इस यात्रा में, और यात्रा समाप्त होने के बाद भी। जिन भक्तों ने यात्रा के आयोजन के लिए, व्यवस्थापन के लिए सेवा की है, बहुत परिश्रम किया है उन्होंने, और अब भक्त कर भी रहे हैं, तो आप सबके सुविधा के लिए उन्होंने की है। यदि थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ त्रुटियाँ कुछ हो जाती हैं, कोई कमियाँ हो जाती हैं, तो कृपया उन्हें स्वीकार कर लीजिए इसी भाव से, और जो भी आपको नियम बताए जाते हैं यात्रा के दौरान उनका पालन कृपया कर लीजिए। जैसे अमुक समय पे आना है, फिर हमें इस समय पे हमें बसों में चढ़ना है, फिर जल्दी वापस बसों में जाना है इत्यादि, क्योंकि हम शायद कितने हैं, 450 हैं, 450 भक्त हैं, तो सबको इकट्ठे ले जाना ये भी इतना आसान नहीं है, काफी समय इसमें चले जाता है।
तो कृपया इन नियमों का पालन भी सब करिएगा, और प्रसाद के समय भी आशा करते हैं कि सभी को ठीक ठाक प्रसाद मिले, परंतु अन्यों की सुविधा के लिए देखिए, खास करके बच्चे हैं या जो वृद्ध हैं या जिनको कोई बीमारी हुई है उनका भी ख्याल रखिए। और हाँ, आजकल कोई भी सूचना समाप्त नहीं होती जब तक कि हम एक विषय की चर्चा ना करें, और वो कौन सा विषय है? बहुत अच्छा, बहुत सही पहचाना आपने, मोबाइल फोन का विषय। तो कम से कम प्रवचन के समय, कथा के समय आप मोबाइल फोन की ओर न देखें, केवल इस प्रवचन में नहीं, केवल इस यात्रा में नहीं, जब भी हम कृष्ण कथा सुन रहे होते हैं मंदिर में बैठ के या सत्संग बैठ के, तो मोबाइल फोन अलग से रख लेना चाहिए, और अपने पास रखना भी है तो उसे बंद करके रखिए, साइलेंट मोड में रखिए। साथ साथ प्रज्वलित न करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर हमारी आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि करने आए हैं, तो ऐसी बातें करने की आवश्यकता नहीं है जिनसे कि हमारी भक्ति में प्रगति न हो। हाँ, हम अनेक भक्तों को लंबे समय के बाद मिलते हैं तो स्वाभाविक है कि हम पूछेंगे आप कैसे हैं, क्या खबर है इत्यादि, ये सब ठीक है, परंतु आगे चल के और फिर शेयर बाजार में कीमत क्या है और वहाँ चुनाव में क्या हुआ और ये सब चीज़ें ना पूछें, ऐसी बातें ना करें तो यही अच्छा रहेगा। और एक बात है कि जब कथा हो रही होती है, न केवल इस कथा में परंतु जहाँ भी आप कथा सुनेंगे, अपने अपने शहरों में हो या जहाँ भी, कथा के समय कृपया उठकर मत जाइए, क्योंकि ये कथा के प्रति एक अपराध होता है। केवल यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य अचानक हो जाता है तो फिर अवश्य उठिए। हम ऐसे नहीं कह सकते कि आग लग गई है यानी कथा समाप्त हो जाए फिर आग बुझाने जाएंगे, ऐसा नहीं, परंतु साधारण अवस्था में पूरा ध्यान कथा के ऊपर होना चाहिए। और क्योंकि सेवा भाव हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जब भी कोई आवश्यकता पड़े आप सामने आकर सेवा के लिए अपने आप को प्रस्तुत कीजिए, यही भाव है यात्रा का। और तीर्थ स्थान में जाके सेवा भाव को स्वीकार करना ये बहुत आवश्यक है। तो फोन कृपया बंद कर लीजिए। एक बार वृंदावन में हमने ऐसे किया था, हमने बताया था कि जिनका फोन प्रवचन के समय बजेगा 500 रुपए का दान उन्हें गौशाला को देना होगा। उस समय गौशाला में थोड़ी बहुत तंगी हो रही थी, पैसों की कमी थी, तो उस समय मैं वहां रहता था, तो हमने सोचा कि अभी गौशाला के लिए कोई लक्ष्मी की आवश्यकता है, तो हमने सोचा इससे अवश्य थोड़ा फंड रेजिंग हो जाएगा। तो भागवत क्लास में आए तो हमने कह दिया कि जिनका मोबाइल फोन बजेगा आपको 500 रुपए देने होंगे। पहले से मैंने एक भक्त को बिठाया था रसीद बुक लेकर, आज अच्छा खासा कलेक्शन होना है आपका, आप बैठ जाइए। और सूचना देने के बाद भी यकीन कीजिए कि अच्छा खासा फंड कलेक्शन हो गया। तो कृपया अपने फोन को बंद ही रखिए या साइलेंट में रखिए। और एक बात ये है कि आप तो जानते हैं कि यह एक समस्या जो भारत में है कि हम सब स्वच्छता का पालन नहीं करते हैं, यहाँ वहाँ चीज़ों को फेंकते रहते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो कम से कम जब हम तीर्थ यात्रा में आते हैं धाम की सेवा हमें करनी चाहिए। तो जहाँ भी जब भी हम लोग यात्रा में जाते हैं तो एक नियम होता है कि कम से कम एक बार तो मिलकर किसी एक स्थान में हम सफाई करते हैं।
तो जब हम सफाई करेंगे वैसे तो आप अवश्य उसमें भाग लीजिए जहां तक आपका शरीर साथ दे, नहीं साथ दे तो कोई बात नहीं, आप दूसरी तरह से भी सहायता कर सकते हैं। और विशेष करके कोई चीजें कागज हो या कुछ हो यहां वहां फेंकिए मत, ये केवल इस तीर्थ यात्रा के लिए नहीं सब समय के लिए। तो चलिए अभी इस पृष्ठभूमि के साथ अब आज प्रवचन प्रारंभ करते हैं। जिस स्थान में हम बैठे हैं इस स्थान का नाम है हम्पी। प्राचीन काल से इसका नाम रहा है किष्किंधा। आप में से कितने भक्त इस हम्पी यात्रा में पहली बार आ रहे हैं? हम्पी में कभी नहीं, इतने सारे, अरे बहुत आश्चर्य हुआ मुझे कि आप सब पहली बार आए हैं। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने भक्तों ने इस यात्रा के सूचना के पूर्व हम्पी का नाम नहीं सुना था? 1, 2, 3। अच्छा तो ठीक है, अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर आए हम्पी यात्रा में। बेलगाम में कई भक्त कह रहे थे इतनी बार हम लोग हम्पी यात्रा गए, फिर से हम्पी क्यों जाना है, हम कहीं दूसरी जगह जाएं। पर हमने सोचा था कि यहाँ पास होता, पास में हो जाता है बेलगाम से, और वैसे भी ऐसे कई भक्त हैं जो कि हम्पी नहीं जा चुके हैं। तो खैर ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है आध्यात्मिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से भी, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और आगे चल के धीरे धीरे हम देखेंगे इसके बारे में। हम कई स्थानों में जाने वाले हैं, जो दिन का क्रम होगा वो अवश्य आपको बताया गया होगा, आपके पास व्हाट्सएप में या जो भी है वो आपने पाया होगा। तो हम अलग अलग स्थानों में जाएंगे, परंतु आज एक सर्वसाधारण, एक कल्पना, एक चित्र इस संपूर्ण क्षेत्र बारे में मैं देना चाहता हूं। तो पहले इस क्षेत्र का नाम था किष्किंधा, आज भी किष्किंधा से नाम से या के नाम से इस स्थान को लोग पुकारते हैं। तो रामायण में बड़े विस्तार में किष्किंधा की लीलाओं का वर्णन श्रील वाल्मीकि जी ने किया है। वाल्मीकि रामायण के 6 कांड हैं और एक 7वां भी है, इसको उत्तर कांड कहते हैं। तो वाल्मीकि रामायण के कौन से 6 कांड हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, और युद्ध कांड के बाद 7वां कांड है उत्तर कांड। तो एक संपूर्ण कांड ही है किष्किंधा कांड। तो काफी विस्तार में यहां पर इस क्षेत्र में जो लीलाएं हुई थी भगवान श्री राम की और उनके भक्तों की, उनका विस्तार में वाल्मीकि जी ने वर्णन किया हुआ है। साथ साथ गरुड़ पुराण में भी उल्लेख है किष्किंधा का संक्षेप में, महाभारत में उल्लेख है संक्षेप में। ऐसे बताया गया है कि सहदेव जो पांडव हैं, युधिष्ठिर महाराज की सहायता करने के लिए यहां पर आए थे, इसी क्षेत्र में आए थे राजसूय यज्ञ के लिए, धन एकत्र करने के लिए सारे पांडव विभिन्न दिशाओं में फैल के गए थे। तो सहदेव यहां पर आए थे, उससे यहां पर उस समय महेंद्र और द्विविध राज्य कर रहे थे। महेंद्र और द्विविध का नाम आप सबने सुना है, कृष्ण लीला में भी सुनेंगे आप, वो असुर थे, और साथ साथ रामलीला में भी उनका नाम सुनेंगे, वो असुर नहीं थे, वानर थे। महेंद्र और क्षमा कीजिए, असुर ने वो दंतवक्र की बात कर रही हूँ, महेंद्र जैसे जाम्बवान उस समय थे वैसे महेंद्र और द्विविध भी द्वापर युग के समय थे।
तो जब सहदेव यहां पर आए, उन्होंने महेंद्र भूरी से भी युद्ध किया, तो ऐसे उल्लेख है अनेक स्थानों में। तो त्रेता युग में जब श्री राम यहां पर आए थे, तो लगभग 11 या 12 वर्षों तक वो चित्रकूट में रहे। कभी एक दिन चित्रकूट की यात्रा भी होनी चाहिए। आप में से कितने भक्त चित्रकूट गए हुए हैं, हाथ ऊपर कीजिए। बहुत अच्छा, तो कई नहीं गए हैं। तो चित्रकूट भी बहुत सुंदर स्थान है। श्री राम की लीलाएं वहाँ हर जगह कण कण में दिखाई पड़ती हैं। वहाँ पर सीता देवी के साथ में श्री राम थे। जब किष्किंधा में थे तो सीता देवी नहीं थी, ये एक अंतर है। तो 11 या 12 वर्षों तक चित्रकूट के निवासी कहते हैं पूरे 12 वर्ष तक यहाँ पर श्री राम रहे। खैर जो भी हो, 11 वर्ष 12 वर्ष। फिर वहाँ से आगे निकले, पंचवटी जो आज नासिक है वहाँ पर आए। वहाँ पर ये सारे शूर्पणखा आदि सारी लीलाएं वहाँ पर हुई। फिर सीता देवी का अपहरण थोड़ी देर वहां पर हुआ। फिर वहां से सीता को ढूंढते ढूंढते श्री रामचंद्र और श्री लक्ष्मण दक्षिण की ओर आए और फिर यहां पर रुके किष्किंधा में। यहां पे किष्किंधा में भगवान श्री राम की कौन सी लीलाएं हुई, उनके भक्त कौन थे यहां पर, इनका वर्णन हम आज विस्तार में नहीं करेंगे, कल परसों और उसके बाद वाले दिन करेंगे। क्योंकि जब हम उन स्थानों में जाएंगे तो उन स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी लीलाएं यहां पर हुई थीं। तो यहां पर पंचवटी से लेकर किष्किंधा तक ये संपूर्ण स्थान विंध्या पर्वत से दक्षिण, जो ये प्राय द्वीप है, अंग्रेजी में इसको पेनिनसुला कहते हैं, दक्षिण भारत, तीन जमीन के तीन दिशाओं में जब समुद्र होता है तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं, इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं। तो इस प्रायद्वीप में विंध्या पर्वत से दक्षिण की ओर पंचवटी से लेकर या वहां से लेकर पूरी किष्किंधा तक ये संपूर्ण क्षेत्र दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, अरण्य अर्थात वन या जंगल। और दंड ये एक राजा थे जो राजा इक्ष्वाकु के पुत्र थे। राजा इक्ष्वाकु वैवस्वत मनु के पुत्र थे और दंड महाराज ये सत्ययुग में रहा करते थे। तो उनके पीछे इस वन या अरण्य का नाम पड़ा दंडकारण्य। तो ये संपूर्ण स्थान दंडकारण्य है। तो दंडकारण्य से होते हुए जब यहां पर इस भाग में आए श्री राम, यहां पर अनेक महीनों तक रहे, विशेष करके चातुर्मास के समय। तो लगभग इसी समय जब हम यहां आए हैं, लगभग इसी समय श्री राम भी लक्ष्मण के साथ यहां पर रहा करते थे। इसलिए इस समय पर यहां आना बहुत ही उपयुक्त है, अच्छा है। तो यहाँ विशेष रूप से जो स्थान है हम्पी, ये किष्किंधा जाना जाता था और ये तुंगभद्रा नदी के आसपास जितना भी क्षेत्र है इसको किष्किंधा कहते थे। तुंगभद्रा नदी का दर्शन हम कल करेंगे जब हम आंजनेयाद्री या हनुमान जी के जन्म स्थान की ओर जाएंगे, ऊपर चढ़ेंगे तो वहां से बहुत सुंदर दर्शन होगा तुंगभद्रा नदी का। आप में से जो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे स्वास्थ्य के कारण, कोई बात नहीं, और एक बार हम जाने वाले हैं एक दूसरे स्थान पर जहां से न केवल आप तुंगभद्रा का दर्शन कर पाएंगे परंतु यदि आप चाहें तो वहां पर स्नान भी कर पाएंगे, लेकिन आपको सूचना हम दे देंगे। तो रामायण में इस स्थान का नाम न केवल किष्किंधा है परंतु पंपा सरस भी है। सरस अर्थात कोई सरोवर, कभी कभी एक नदी को भी सरस कहा जाता है, जो जल से भरा हुआ, जैसे सरस्वती, सरस्वती नदी है ना,
वती मतलब पूर्ण, तो सरस्वती अर्थात वो नदी जिस जिसमें जो कि पानी से भरी हुई है, बहुत ज्यादा पानी है, सरस्वती। तो सरस ये जल, तो पंपा सरस या पंपा सरोवर, या कभी कभी तुंगभद्रा नदी को भी पंपा कहते थे। तो खैर हम्पी जो इस हॉस्पिट, हम अभी हॉस्पिट में बैठे हैं जो कि सबसे बड़ा, जो बड़ा शहर है हम्पी के पास में, यहां से लगभग 10-12 किलोमीटर है मेरे ख्याल से। तो ये हम्पी जो है ये तुंगभद्रा के रास्ते में पड़ता है। तो क्योंकि तुंगभद्रा नदी यहां से बहते हुए जाती है और तुंगभद्रा नदी के तट पर और जल में भी इतनी लीलाएं हुई हैं, तो जब हम यहां किष्किंधा क्षेत्र में आए हैं तो निश्चित तुंगभद्रा नदी की चर्चा तो होनी ही चाहिए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे स्थान में रहते हैं जिनमें इतने सारे तीर्थ स्थान हैं, इतने सारे भगवान के धाम हैं, लीला स्थलियां हैं। ऐसे कितने स्थान हैं जहां पर भगवान के भक्तों ने अपनी लीलाएं की हैं, और साथ साथ इतने सारे पवित्र वन, पवित्र पहाड़, पवित्र कुंड, पवित्र नदियां आदि हैं। जब पर्यावरण की बात होती है, और आजकल पर्यावरण का विचार बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आधुनिक जगत में, तो भक्तों, भक्त होने के नाते हमारे लिए तो पहले से ही एक स्वाभाविक चीज है, हम सारी चीजों की दिव्यता को मानते हैं, क्योंकि ये न केवल भगवान की दिव्य शक्ति है, परंतु ये जो नदियां वन आदि भगवान की लीलाओं से जुड़ी हुई हैं, उनको तो हमें बहुत ही ध्यान से संभाल के रखना चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति अपने धन को संभाल के रखता है। ये सारे स्थान, ये तीर्थ स्थान, ये धाम, लीला स्थलियां, ये सब हमारे धन हैं, और इनको बनाए रखना, अच्छी तरह से रखना है। दुर्भाग्य आधुनिक काल में ये है कि हमारे नदियों को हम नष्ट करते जा रहे हैं, पहाड़ों को काटते जा रहे हैं, वनों को नष्ट करते जा रहे हैं, जो पवित्र स्थान है वो भी अभी नहीं रहे। तो खैर ऐसे बहुत सारे पवित्र नदियां भारत में हैं, जिनका उल्लेख कम से कम, यदि वर्णन न भी हो विस्तार में, परंतु उल्लेख कम से कम ऐसे श्रीमद् भागवतम में, महाभारत में, रामायण में, पुराणों में अवश्य पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नदियां हैं जिनमें से प्रमुख नदियां तो हैं गंगा, गंगे च, यमुने चैव, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधो, कावेरी, जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो गंगा, यमुना, नर्मदा, सिंधु, कावेरी इत्यादि ऐसे ये प्रमुख नदियां हैं, परंतु ऐसे अन्य बहुत सारे पवित्र नदियां हैं भारतवर्ष में, जिनमें कि तुंगभद्रा नदी भी एक है, पवित्र नदियों में से एक है, और दक्षिण भारत की बहुत महत्वपूर्ण ये नदी मानी जाती है। दक्षिण भारत में और भी कई महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे कृष्णा नदी है, गोदावरी है इत्यादि। चैतन्य चरितामृत में भी श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी इन स्थानों में भ्रमण कर चुके हैं, और इसलिए हमें भी भ्रमण करना चाहिए इन स्थानों में। तो तुंगभद्रा नदी के तट पे आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, यदि आपने आज नहीं देखे होंगे तो कल परसों अवश्य आप देखेंगे। और ये पहाड़ इस तरह से रखे गए हैं या दिखाई पड़ते हैं मानो कि किसी ने उनको एक के ऊपर एक रखा हुआ है, जैसे बच्चे खेलते हैं ना कुछ, एक जगह में जाके एक पत्थर एक के ऊपर एक रखते हैं, ऐसे प्रतीत होता है कि ये जो बड़े बड़े पहाड़ जैसे पत्थर हैं एक के ऊपर एक के ऊपर, ये किसी ने रखा है उनको, ऐसे लगता है। तो खैर ये प्रकृति का एक अद्भुत खेल है, और तुंगभद्रा नदी और ये सारे पहाड़ जो हैं ये एक सीमा थी,
हम्पी ये राजधानी थी और इसके एक सीमा के लिए एक सुरक्षा के समान थी। यहाँ पर वास्तव में दो नदियों का मिलन है, एक का नाम है तुंगा, दूसरे का नाम है भद्रा। तो दोनों नदियाँ मिलती हैं शिमोगा नाम के गांव के पास में। कर्नाटक में एक शहर है जिसका नाम है शिमोगा, मूल नाम है शिवमोग्गा, शिव जी के पीछे रखा हुआ है। तो इसके पास एक स्थान है कुडली, तो इसमें तुंगा और भद्रा का संगम है और ये दोनों नदियां फिर मिलके तुंगभद्रा हो जाती हैं एक नदी। ऐसे बताया जाता है कि जब वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध किया तो उस समय वो थोड़ा थक गए, तो थोड़ा आराम करने के लिए वो इस पश्चिम घाट के इलाके में आए, एक पर्वत के ऊपर बैठे। आज उस पर्वत का नाम है वराह पर्वत। और इस वराह पर्वत पर जब बैठे थे तो क्योंकि थक गए थे तो उनके कपाल से या सर से थोड़ा पसीना आने लगा। अब हम सब जानते हैं कि भगवान का शरीर दिव्य होता है, हमारे शरीर की तरह नहीं, इसलिए हमारे पसीने में और भगवान के पसीने में बहुत अंतर है। भगवान गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में आते हैं, सारे ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं अपने दिव्य पसीने से। तो खैर, वराहदेव के सर से पसीना आया, जो पसीने के बूंद बाएं तरफ से आए उनसे तुंगा नदी बनी, जो दाहिने ओर से पसीने की बूंद आए उनसे भद्रा नदी बनी। तो यद्यपि ये दोनों नदियां एक ही स्थान से उद्भूत हुई, तो जिसको गंगा मूल कहते हैं उस स्थान को वराह पर्वत के ऊपर, फिर भी वो दोनों अलग अलग दिशाओं में चल पड़ी और अपने अपने स्थानों में से निकलते हुए अंततः फिर वो यहाँ शिमोगा के पास कुंडली में मिल जाती हैं और फिर बहने लगती हैं हम्पी से होकर, फिर वो और आगे बढ़ती हैं। वेदवती नाम की एक नदी और आगे आके जुड़ जाती है, वेदवती भी सीता देवी का एक नाम है। और फिर आगे ये तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी को मिलती है और कृष्णा नदी आगे जाके समुद्र में मिल जाती है। तो ये तुंगभद्रा नदी ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है और ये पानी बहुत मीठा होता है ऐसे, और यहाँ के लोग इस प्रकार से मानते हैं, तुंगा पान गंगा स्नान, पान अर्थात पान करना पीना। तो ये तुंगा नदी, तुंगभद्रा नदी बहुत पवित्र नदी है और हमें इस नदी का जल का पान करना चाहिए और गंगा में जाके स्नान करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि गंगा का पान नहीं करना चाहिए, तुंगा में स्नान नहीं करना चाहिए, परंतु तात्पर्य ये है कि यहाँ का जल न केवल शुद्ध है, पवित्र है, दिव्य है, परंतु मीठा भी है बहुत। इसलिए लोग ऐसे कहते हैं, तुंगा पान गंगा स्नान। अब आजकल क्योंकि बहुत गैर जिम्मेदार हो गए हैं लोग, आध्यात्मिक संस्कृति से इतने दूर हट चुके हैं कि पवित्र नदियों को भी इतने बड़े पैमाने पर प्रदूषित कर देते हैं कि बाह्य दृष्टि से तो कम से कम जो एक शुद्धता दिखाई पड़नी चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ती है। आप में से जो वृंदावन में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं उस भाग में रहते हैं, या आप अवश्य जानते हैं कि यमुना की दशा क्या है, कि किस हद तक प्रदूषित वो नदी की गई है, और हमारे सारे नदियों की दशा ऐसी ही है। इसलिए कई बार भक्त भी हिचकिचाते हैं स्नान करने में, जब देखते हैं आजकल बहुत सी चीज़ें जो हैं, जो प्रदूषण है वो जानबूझकर कारखानों से, घरों से, वो सब छोड़ देते हैं, नदियों में छोड़ देते हैं। तो इसलिए आज भले उस जल को पीने के लिए लोग हिचकिचा रहे हों,
तो तुंगभद्रा में क्या हाल है मुझे नहीं पता, परंतु अवश्य उस मात्रा में तो प्रदूषण नहीं होगा जितना कि वहां यमुना जी में है, जो हमने देखा है और सुना है। तो यदि संभव हो तो जब हम जाएंगे, शायद दो दिन में हम जाएंगे वहां पर, तो शाम को जाएंगे, तो संभव हो तो वहां पर तुंगभद्रा में प्रणाम करके जलपान करेंगे। यदि आपको स्नान नहीं करना है तो आचमन कम से कम आप कर सकते हैं, फिर जिनकी इच्छा है स्नान भी कर सकते हैं, परंतु थोड़ा खतरा है वहां पर, इसलिए बहुत सावधानी से जाना है, बहुत दूर नहीं जाना है, बस डुबकी लगानी है और बाहर चले आना है। तो इस तुंगभद्रा नदी के तट पे बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं प्रारंभ से लेकर अंत तक। और पहले इस नदी का नाम हम्पी था, पंपा था, तो ये हम्पी एक अपभ्रंश है, पंपा से ये हम्पी बन गया। ऐसे बहुत बार हो जाता है, जैसे नैमिषारण्य को आज निमसार बोलते हैं वहां के लोग, निमसार, तो ऐसे अपभ्रंश हो जाता है कभी कभी। तो हम्पी कौन थी? ऐसे बताया जाता है कि वो ब्रह्मा जी की एक पुत्री थी। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पंपा ने बहुत तपस्या की, तो शिव जी इतने प्रसन्न हुए पंपा की तपस्या से कि उन्होंने पंपा से ही विवाह कर लिया। तो ये पंपा भी पार्वती देवी की विस्तारी विस्तृत रूप है, अन्यथा शिव जी से विवाह कैसे कर सकती। तो शिव जी प्रसन्न हुए और पंपा से विवाह कर लिया। और इसलिए शिव जी का नाम यहां पर पंपापति है, और फिर ये पंपा से हम्पी हो गया। यहां पे एक सरोवर भी है, पंपा सरोवर, हम लोग कल वहां जाएंगे, कल सुबह सुबह, कल सुबह हम सबसे पहले जाएंगे अंजनेयाद्री, अंजनेय अंजनेय अर्थात अंजनी के पुत्र हनुमान, अद्री अर्थात पर्वत। तो इस पर्वत के ऊपर ऐसे माना जाता है हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो हम में से जो ऊपर चढ़ सकते हैं जाके, 500-600 ऐसे सीढ़ियां हैं, तो जिनको बहुत तंदुरुस्त रहना है वो आप चढ़िए, नहीं भी चढ़ पाते हैं तो कम से कम नीचे से आप दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए और वहां बैठकर हनुमान का गुणगान कीजिए। तो वहां दर्शन करके कुछ कीर्तन करके हम लौट के आएंगे, फिर हम जाएंगे पंपा सरोवर, जो वहां से ज्यादा दूर नहीं है। पंपा सरोवर आज एक सरोवर है, कुंड है, वहां भी कई लीलाएं हुई थी। अब वो पंपा सरस, पंपा नदी एक बात है जो तुंगभद्रा हो गई, और ये पंपा सरोवर है। तो पंपा सरोवर की बात भी हम करेंगे, जहां पर शबरी श्री राम से मिली थी। तो पंपा सरोवर में हमने सुना है कोई निर्माण कार्य चल रहा है, वहां बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है, तो शायद हमें वहां कोई कथा करने का अवसर नहीं मिलेगा, तो केवल दर्शन कर लेंगे। यदि कोई सेवा कर पाए अंजनेयाद्री के ऊपर या फिर पंपा सरोवर में, कोई सफाई की का अवसर मिल जाए तो कर लेंगे, नहीं मिला अवसर तो लौट के आएंगे। शाम के समय हनुमान जी और शबरी जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पंपा सरोवर में कल हम जा रहे हैं। अब जहां तक किष्किंधा क्षेत्र का वर्णन है, जैसे मैं पहले कह रहा था, सबसे विस्तार में वर्णन वाल्मीकि जी के रामायण में है, और जितने भी अन्य अधिकृत रामायण हैं उनमें भी है, मूल रामायण तो वाल्मीकि जी का है। तो यहां पर रामलीला के लिए प्रसिद्ध है ये सारा स्थान, त्रेता युग में आए थे, वानरों का स्थान है किष्किंधा। वानर अर्थात कौन? संस्कृत में ये वानर शब्द है जो हिंदी में और प्राकृत भाषा में बंदर शब्द में परिवर्तित होता है। प्राकृत भाषाएं जो आजकल हमारे जितने भी भाषाएं हैं, हिंदी हो, मराठी हो, जो भी हो,
ये सारी भाषाएं अंततः संस्कृत से प्रकट हुई हैं। तो शब्दों का कभी कभी परिवर्तन हो जाता है। तो वानर का बंदर हो गया, तो वानर शब्द के कई अर्थ होते हैं। उनमें से एक अर्थ ऐसे बताया जाता है कि जो वन में रहने वाले लोग हैं उनको वानर कहते हैं, परंतु और एक अर्थ है वा नर। क्या ये नर ये मनुष्य तो नहीं, क्योंकि ये वानर मनुष्यों के तरह ही दिखते थे, सदृश मनुष्यों के सदृश दिखाई पड़ते थे। इसलिए ये प्रश्न उठता था कभी, क्या ये मनुष्य है या नहीं है, वा वा नर ये मनुष्य है या नहीं। तो वा नर, तो यहां पर जो वानर रहा करते थे, जो श्री राम की वानर सेना हुई बाद में चल के, इन्हें साधारण बंदर हमें नहीं मानने चाहिए। साधारण बंदर तो आपको जगह जगह दिखाई पड़ेंगे, परंतु ये साधारण बंदर नहीं थे। और इनकी जो उत्पत्ति हुई, इनका जो जन्म हुआ देवताओं के द्वारा हुआ, तो ये सारे देवताओं के पुत्र हैं, इसलिए देवताओं के समान उनके अंदर शक्ति थी, जो योग जो सिद्धियां थी। जब हम गहराई में जाके पढ़ेंगे कि हनुमान जी के पास या अन्य जो अंगद सुग्रीव आदि, इतनी शक्ति इनकी थी कहां से आई। पुराणों में ऐसे बताया गया है कि अरुण जो सूर्यदेव के सारथी हैं, उन्होंने एक स्त्री का भी रूप धारण किया, वो बन गई अरुणी। तो इंद्रदेव ने अरुणी के माध्यम से एक पुत्र की उत्पत्ति की, और वो थे वाली। और उधर सूर्यदेव ने भी अरुण के माध्यम से एक पुत्र की उत्पत्ति की, और उस पुत्र का नाम था सुग्रीव। इसलिए वाली और सुग्रीव ये दोनों भाई हैं। और हुआ ये कि इंद्र ने उन्हें गौतम ऋषि के आश्रम में रखा। तो जन्म से युव अवस्था एक आयु के आपको प्राप्त होने तक वो गौतम ऋषि के आश्रम में रहे। उस समय यहां पर किष्किंधा में ऋक्षराज राज्य कर रहे थे, उनका कोई संतान नहीं था, इसलिए वो थोड़े दुखी थे। तो इंद्रदेव ने आकर वाली और सुग्रीव को उनके हवाले कर दिया कि ये आपके दो पुत्र हैं। और फिर वाली वरिष्ठ थे दोनों में से, तो वो यहां के राजा बन गए। और फिर वाली और सुग्रीव के बीच में कुछ वैर हो गया, कुछ गलतफहमी हो गई, इसके बारे में आने वाले दिनों में हम सुनेंगे चर्चा करेंगे कि क्या हो गया। वाली की शक्ति भी अद्भुत थी, इसके बारे में भी हम सुनेंगे आने वाले दिनों में। तो एक गलतफहमी हो गई, वैर उत्पन्न हो गया, सुग्रीव को अपने स्थान को किष्किंधा को छोड़कर भाग जाना पड़ा राजधानी को, और वो एक स्थान में जाके आश्रय ग्रहण करने लगे, जिस स्थान में हम शायद परसों जाएंगे, जहां पर ऋषिमुख पर्वत है और जहां पर सुग्रीव भी और हनुमान सुग्रीव पहली बार श्री राम और लक्ष्मण से मिले थे। उस स्थान में भी हम जाएंगे जहां पर हनुमान जी पहले राम और लक्ष्मण से मिले थे। तो खैर सुग्रीव और राम के बीच में एक समझौता हो गया। दोनों अपने अपने तरह से पीड़ित थे। सुग्रीव को अपनी राजधानी से भगाया गया था और सीता देवी की पत्नी सीता देवी का श्री रामचंद्र के पत्नी सीता देवी का अपहरण हो चुका था। तो दोनों अपनी तरह से पीड़ित थे। और श्री राम से कहा गया था कि आप जाके सुग्रीव से एक मैत्री का संबंध स्थापित कीजिए, एक समझौता कीजिए और एक दूसरे की मदद कर दीजिए। सुग्रीव ही है जो आपकी मदद कर पाएंगे सीता देवी को ढूंढ निकालने के लिए, और सुग्रीव की मदद करने के लिए आप ही योग्य व्यक्ति हैं। जो अन्याय सुग्रीव के साथ हुआ है उसे ठीक आप ही कर सकते हैं। तो खैर ये सारी लीलाएं हुई जिसके बारे में भी हम आगे चल के सुनेंगे। तो
द्वापर युग में जैसे मैंने पहले कहा सहदेव पांडव वो यहां पर आए थे और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में ये भी बताया जाता है कि बलराम जी यहां पर आए थे। आपको पता है कि बलराम जी तीर्थ यात्रा में निकले थे। क्यों निकले थे तीर्थ यात्रा में? कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि युद्ध में वो नहीं भाग लेना चाहते थे। एक ओर उनके प्रिय गदा युद्ध के शिष्य दुर्योधन और दूसरी ओर उनके प्रिय भाई कृष्ण जो कि पांडवों के साथ में थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मैं बीच में तटस्थ रहना चाहता हूं, मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। तो वो तीर्थ यात्रा में निकल पड़े। तो अपने तीर्थ यात्रा में जाते जाते सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है या उल्लेख किया है उन स्थानों का कि जहां बलराम जी गए थे। तो उनमें पंपा का नाम भी आता है, जैसे कि वो महेंद्र पर्वत पर गए, वहां पर परशुराम जी का दर्शन के साथ बातचीत की, श्री शैल गए, वेंकटाद्री अर्थात तिरुपति तिरुमला गए और फिर गोदावरी में स्नान किया और पंपा में भी आए। तो द्वापर युग के अंत में यहां बलराम जी आए थे। और जहां तक कलयुग की बात है तो लगभग 500 वर्ष पूर्व नित्यानंद प्रभु यहां पर आए थे, ऐसे चैतन्य भागवत में उल्लेख है। यहां पर आके उन्होंने स्नान किया पंपा में, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहां पर आए और इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में है और मैं 4-5 जो श्लोक हैं वो मैं पढ़ना चाहूंगा। और श्रील प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में कहते हैं उन तात्पर्यों का सारांश भी बताना चाहूंगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद दक्षिण भारत की यात्रा में निकल पड़े थे तो एक तीर्थ स्थान से लेकर दूसरे तीर्थ स्थान में वो भ्रमण करते जा रहे थे, कभी आगे पीछे आगे पीछे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसे करते करते दक्षिण की ओर गए, रामेश्वरम कन्याकुमारी तक गए, फिर उत्तर की ओर आते आते गोकर्ण आदि होकर पंढरपुर गए। और हम लोग जो बेलगाम में रहते हैं ये मानना पसंद करते हैं कि गोकर्ण से पंढरपुर जाते जाते बेलगाम भी होकर गए थे, ऐसे हमारी मान्यता है। कोई शास्त्रों का प्रमाण तो नहीं है परंतु हम जब इस बात को मानते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो खैर, तो ऐसे तीर्थ यात्रा में जाते जाते कविराज गोस्वामी कहते हैं, धनुष तीर्थ देखी कोरिला निर्विंध्याते स्नाने ऋषिमुख गिरी आयला दंड कारण्य। फिर भगवान अर्थात चैतन्य महाप्रभु धनुष तीर्थ में आए जहां उन्होंने निर्विंध्या नदी में स्नान किया, फिर ऋषिमुख पर्वत पे आए जिसका दर्शन हम परसों करेंगे, जहां पर सुग्रीव रहा करते थे, जहां पर मतंग ऋषि रहा करते थे, और फिर वो दंडकारण्य चले गए। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ऋषिमुख पर्वत के बारे में भिन्न मत हैं। कई ऐसे विद्वान हैं श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऋषिमुख वो पहाड़ हैं जो कि हम्पी ग्राम जैसे हम्पी जहां पर हम हैं यहां से प्रारंभ होकर आगे चलती हैं तुंगभद्रा के तट तक और आगे चल के आज जो हैदराबाद नाम का शहर है वहां तक ये पहाड़ जाते हैं। तो ये ऋषिमुख है ऐसा माना जाता है। और कई ऐसे भी लोग हैं प्रभुपाद जी कहते हैं जो मानते हैं कि ऋषिमुख पर्वत रामप नाम के स्थान के पास मध्य प्रदेश में है और वहां से गोदावरी नदी बहती है। तो खैर, क्योंकि यहां उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे थे इसलिए हम ये मान सकते हैं कि इसी ऋषिमुख पर्वत में वो आए थे। सप्तताल वृक्ष देखे कानन भीतर अति वृद्ध अति स्थूल अति उच्चतर। और इस दंडकारण्य के भीतर चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे स्थान में गए जिसका नाम था सप्तताल।
वहाँ 7 ताल वृक्ष थे जो कि बहुत वृद्ध थे, बहुत विशाल थे और बहुत ऊंचे थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, ये जो सप्तताल वही सप्तताल हैं जिनका उल्लेख रामायण के किष्किंधा कांड में किया हुआ है और किष्किंधा कांड के 11वें और 12वें अध्याय में इनका वर्णन है, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि फिर ये सप्तताल कहीं इस इलाके में हैं। अनेक बार हमने लोगों से पूछा है कि आप बता सकते हैं कि ये सप्तताल कहाँ थे, तो वो नहीं बता पाते हैं। तो आजकल ये एक रहस्य हो गया है कि ये सप्तताल कहाँ है इस किष्किंधा क्षेत्र में, किसी को पता नहीं है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि ये किष्किंधा, ये सप्तताल किसी दूसरे स्थान में है, मध्य प्रदेश में है, परंतु वास्तव में ऐसे लगता है, प्रतीत होता है कि यही होना चाहिए, क्योंकि अंततः ये लीला तो यहीं पर हुई थी। विस्तार में हम लीला कल परसों करेंगे, परंतु संक्षेप में ये है कि जब सुग्रीव के पास श्री राम आए थे ना, तो सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ कि राम उनकी मदद कर पाएंगे। क्या श्री राम इतने समर्थ हैं कि वो मेरी मदद कर पाएंगे? अंततः जो वाली है वो इतना शक्तिशाली है, वाली को पराजित करने जितना शक्ति इनके पास है क्या? तो श्री राम ने क्या किया, अपने धनुष को लिया। उनके धनुष का नाम क्या है? श्री राम के धनुष का नाम कोदंड। और एक प्रसिद्ध मंदिर यहां पर है, कोदंड राम मंदिर, वहां भी हम जाएंगे, परसों जाएंगे शायद। कोदंड राम, तो अपने कोदंड को धारण किया और उन्होंने तीर बिठा दिया उसमें और तीर छोड़ दिया। और ये तीर एक, वहां पर 7 ताल वृक्ष थे, एक ताल वृक्ष के से अंदर से जाकर दूसरे ताल वृक्ष में प्रवेश करके उसमें से बाहर निकल के ऐसे 7 ताल वृक्षों में से वो तीर निकली और फिर सीधे पृथ्वी में जाकर अंदर फिर से बाहर आ गए, रसातल तक पहुंचकर। तो जब सुग्रीव ने ये देखा तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए वो। आप में से जो भक्त अभी अभी आए हैं, अंदर आइए, अवश्य आइए, थोड़े आराम से आप यहाँ बैठ जाइए, थोड़ा स्थान दीजिए भक्तों को आने के लिए। यहाँ पे एक दो कुर्सियां हैं, आप बैठ सकते हैं, आप में से कोई नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो। ठीक है, तो क्योंकि ये सप्तताल की लीला यहां पर हुई थी, इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु ने लीला की इन सप्ततालों के साथ, वो स्थान भी तो यही होना चाहिए ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जब वो सप्तताल नाम के स्थान पर पहुंचे तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, सप्तताल देखी प्रभु आलिंगन कोइल, सशरीर सप्तताल वैकुंठे चलिला। सप्तताल देखी, सप्तताल को देख कर प्रभु आलिंगन कोइल, प्रभु ने उनका आलिंगन किया। किनका? वृक्षों का। वृक्ष भी तो प्राणी है ना,
उनमें भी तो जीव है, उनका भी तो उद्धार होना है। ऐसे एक भक्त को मैं जानता हूं जो कि एक बार की दूसरे देश की बात है कि वो जब नए भक्त बने थे तो अपने शहर के बाहर जंगल में जाया करते थे, अलग अलग भक्तों को साथ में ले जाया करते थे। क्यों? वहां जंगल में कीर्तन करने के लिए। तो उस दूसरे भक्त ने कहा कि भाई कीर्तन तो ऐसे स्थान में करो, सड़कों पे, गांव में, जहां पर लोग हैं, जहां लोग सुन सकें, उनका उद्धार हो जाए। तो उस भक्त ने उत्तर दिया कि देखो क्या जंगल में कितने सारे जो पेड़ हैं, पौधे हैं, घास के तिनके हैं, उनमें क्या जीव नहीं है? क्या उनका उद्धार नहीं करना है हमें? तो इसलिए वो वहां जाकर कीर्तन करते थे ताकि वृक्षों का, पेड़ पौधों का उद्धार हो जाए हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। तो खैर, चैतन्य महाप्रभु भी चाहते थे कि इन पेड़ों का उद्धार हो, क्योंकि इन पेड़ों ने श्री राम लीला में राम की सेवा की थी। तो सशरीरे, मतलब उसी तरह जैसे वो उनका शरीर था, वृक्ष का शरीर था, सप्तताल वैकुंठे चलीला, वो जैसे है वैसे अपने शरीर में वो वैकुंठ चले गए। जैसे ध्रुव महाराज सशरीर वैकुंठ चले गए थे, ऐसे श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। तो यहां पर ये सात ताल वृक्ष थे, सशरीर जैसे है वैसे है चले गए। ऐसा नहीं कि वैकुंठ में कोई पेड़ों की पेड़ नहीं है, वहां पर भी पेड़ हैं, पौधे हैं, सुंदर फूल हैं। फिर आगे ये सारे वैकुंठ चले गए। फिर शून्य स्थल देखी लोके रहोइलो चमत्कार, लोके कहे ए सन्यासी राम अवतार। शून्य स्थल देखी, जब लोग आसपास में खड़े थे और वो देख रहे थे कि अरे यहां तो पहले सात ताल वृक्ष थे, अब ये गायब हो गए, अब ये जगह खाली हो गया, शून्य स्थल, ये स्थान शून्य हो गया। जब उन्होंने देखा लोकेर होइलो चमत्कार, लोगों के मन में चमत्कार हो गया और वो क्या कहने लगे, लोके कहे ए सन्यासी राम अवतार। ये जो सन्यासी हैं ये अवश्य राम के अवतार हैं। सशरीरे ताल गेला श्री वैकुंठ धाम, ऐछे शक्ति कार होए बिना एको राम। सशरीर ताल गेला, ये ताल वृक्ष सशरीर वैकुंठ चला गया, तो ऐसे शक्ति जिनके पास है वो केवल श्री राम हो सकते हैं और कोई नहीं। प्रभु आशी कोइलो पंपा सरोवरे स्नान, पंचवटी आशी तहां करिलो विश्राम। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने पंपा सरोवर में स्नान किया, जहां पर हम कल जाने वाले हैं। फिर वहां पे स्नान करने के बाद वो पंचवटी की ओर आगे बढ़े। अब देखिए, जब कबीरराज गोस्वामी ऐसे चैतन्य महाप्रभु की यात्रा का वर्णन करते हैं तो हर बार क्रम से करते हैं, ऐसा नहीं है, कभी आगे पीछे भी कर देते हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि महाप्रभु सीधे उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ऐसे नहीं गए होंगे, आगे पीछे चलते भी गए होंगे। क्योंकि महाप्रभु जब संकीर्तन करते हुए जाया करते थे तो इतने भाव विभोर थे वो कि उनको पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। ऐसे प्रेमावेश की अवस्था में उनको पता नहीं चलता था, इसलिए उनको जाना था दक्षिण, पहुंच गए उत्तर, देखो उत्तर आए हैं तो यहां ये तीर्थ स्थान है, चलो यहां पर दर्शन कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। अरे मैं कहां उत्तर चले गए, दक्षिण जाना था, फिर दक्षिण चले गए। ऐसे महाप्रभु भ्रमण करते करते रहे। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि कई विद्वानों का मत यह है कि तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम था पंबा, और अन्यों के अनुसार विजयनगर जो इस प्रांत की राजधानी थी वो पंपा तीर्थ के नाम से जाना जाता था। और ऐसे अन्य भी हैं जो सोचते हैं कि अनागुंडी के पास में जो सरोवर है, जो हैदराबाद की दिशा में है, उसे पंपा सरोवर कहते हैं।
तुंगभद्रा नदी यहाँ से भी बहती है। तो पंपा सरोवर के बारे में भिन्न मत है। खैर जो भी मत हो हम जाएंगे और जाकर ही रहेंगे, आप सबके संग हम सब जाएंगे। तो खैर ये है। और श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद में भी जब शुकदेव गोस्वामी उन स्थानों का वर्णन करते हैं, पवित्र स्थानों का वर्णन करते हैं जहां की सारे भक्तों को विशेष करके जाना चाहिए, उनमें से पंपा का नाम भी आता है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ये बहुत ही प्राचीन स्थान है, सारे पुराणों में वर्णन है, भागवतम में है इत्यादि। और यहाँ तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों को चाहिए कि इन समस्त तीर्थ स्थानों में वो जाएं, अर्थात जिन स्थानों का उल्लेख भागवतम में और अन्य ग्रंथों में है उन स्थानों में भक्तों को जाना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। और साथ साथ में जहां जहां वो जाएं वहां अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के मंदिरों में भी जाएं, ये भी तीर्थ यात्रा का ही एक अंग है, क्योंकि ये संकीर्तन आंदोलन है श्री चैतन्य महाप्रभु का और ये महाप्रभु का भाव है। क्योंकि जितने भी हमारे संस्था के केंद्र हैं, मंदिर हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ही स्थापित किए गए हैं। इसलिए जब हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो वहाँ निकट कहीं यदि मंदिर हो हमारा तो वहाँ हम जाते हैं। ऐसे कई भक्त हैं जो भारत से विदेश जाते हैं, वहाँ प्रभुपाद जी के स्थानों को देखने के लिए वहाँ के मंदिरों में जाते हैं, कई लोग ऐसे जाते हैं भक्त लोग। तो खैर अब आप समझ गए होंगे कि आज प्रवचन का उद्देश्य क्या है। एक ऐतिहासिक कल्पना आपको हम दे रहे हैं, प्राचीन काल से प्रारंभ होकर, मतलब सत्ययुग से शुरू होकर, त्रेता युग से शुरू होकर, सत्ययुग द्वाप त्रेता द्वापर कली और अब मध्यकालीन इतिहास भारत का। तो आजकल यहाँ पे हमें कुछ खंडहर आदि दिखाई पड़ते हैं, कुछ टूट फूट गए हुए चीजें, सब कुछ इमारतें वगैरह हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आधुनिक मध्यकालीन जो इतिहास है, मेडिवल हिस्ट्री, थोड़ा बहुत उसको जानना भी हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें भी धार्मिक और विशेष रूप से भक्ति का संबंध है, और कैसे है हम देखेंगे आने वाले 5-10 मिनटों में। तो यहाँ इस राज्य को विजयनगर राज्य कहा करते थे। कब? ये लगभग 1336 से लेकर 1565 तक, तो बहुत साल हो गए, लगभग 200-250 साल तक ये राज्य चला। और इस राज्य, ये राज्य जब शिखर पे पहुंचा तब ये राज्य सारे दक्षिण भारत में फैल चुका था और दक्षिण भारत आगे अन्य स्थानों में भी। तो विजयनगर राज्य के कई बहुत प्रसिद्ध राजा हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हुए हैं श्री कृष्ण देव राय। तो उन्होंने यहाँ पर अनेक मंदिर आदि की निर्मित की थी, जहाँ हम लोग जाएंगे भी। तो ऐसे लगभग 1600 तक या उसके बाद कई वर्षों तक ये राज्य रहा। और उसके बाद हुआ ये कि जो दिल्ली के सुल्तान थे और आज बीजापुर अन्य जितने भी सुल्तान थे वो सब एक हो गए और उन्होंने आक्रमण किया हम्पी के ऊपर, जो राजधानी थी विजयनगर राज्य की। पहले तो 200-250 सालों तक ये राज्य बहुत मजबूत था, बहुत ऐसा था कि उसका कोई पराजय नहीं कर सकता था। परंतु इस बार ये सारे सुल्तान मिल गए और मिलके उन्होंने जब आक्रमण किया तो फिर विजयनगर के राजा जो उस समय थे वो उनका सामना नहीं कर पाए, वो बुरी तरह से हार गए, उनकी सेना बिल्कुल खत्म हो गई
और इन्होंने आकर पूरा तहस नहस कर दिया यहाँ पर। तो जितने भी मंदिर थे, जितने भी महल थे, जितने भी घर थे, उन सबको लूट लिया, सारा धन यहाँ का लेकर चले गए। उस समय यहाँ इतना धन होता था, ये बहुत एक धनवान स्थान था, यहाँ के लोग भी बहुत धनवान थे और राजा तो और भी ज्यादा धनवान थे। तो यहाँ पूरी तरह से विध्वंस कर दिया इन्होंने, तो पूरा धन यहाँ से चुरा कर ले गए और यहाँ सब तोड़ के चले गए, जितना तोड़ सके उतना तोड़ के चले गए। पूरी ऐसी इमारतें हैं जिनको तोड़ना भी मुश्किल है, इसलिए वो काम अधूरा रह गया। तो थोड़े बहुत मंदिर आज भी बचे हैं क्योंकि वो तोड़ नहीं सके उनको, और उन्होंने सोचा कि इतनी शक्ति इसमें डालना भी व्यर्थ है, क्या करेंगे तोड़ तोड़ के, हमें धन मिला बस इतना पर्याप्त है हमारे लिए। तो इस प्रकार से लगभग 2.5 साल तक ये विजयनगर राज्य चला और इसमें 4 वंश रहे। तो आजकल इस खंडहर आदि जो बहुत ही दिखाई पड़ते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने इसको मान्यता दी है कि और इसको ये एक विरासत स्थल हेरिटेज साइट के रूप में माना जाता है। इसलिए हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 प्रकार के लोग आते हैं हम्पी में। एक हैं जो पर्यटक हैं, जो यहाँ के वास्तुकला आर्किटेक्चर को देखने के लिए आते हैं, जो इतिहास प्रेमी हैं, जो ऐसे पर्यटन की दृष्टि से आके देखना चाहते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग जो यहाँ पर आते हैं वो आप सब जैसे श्रद्धालु भक्त, जो जानते हैं कि इस स्थान का प्राचीन इतिहास क्या है, यहाँ किस प्रकार के लीलाएं हुई थी भगवान के और उनके भक्तों की, इसका महत्व क्या है। तो खैर, हम जब यहाँ आते हैं तो अवश्य इन लीलाओं को सुनते हैं, परंतु यहाँ की वास्तुकला से हम दूर नहीं जा सकते। हमारे मन में एक प्रकार का चमत्कार भी आएगा कि अरे, उस समय में भी इस तरह के उन्होंने सारी इमारतें आदि, मंदिर आदि बनाई थी, कितने आश्चर्य की बात है। क्योंकि आजकल लोगों को बताया जाता है या बच्चों को इतिहास विषय में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है पाठशालाओं में, ये सब पिछड़ा हुआ समाज था इत्यादि इत्यादि, परंतु जब हम ये वास्तुकला जब देखते हैं, शिल्पकला शिल्प शास्त्रों के अनुसार जो बनाई गई थी ये सारे मंदिर, तो वास्तव में चमत्कार हो जाता है। तो हम अवश्य भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, भगवान के लीला स्थलियों में जाएंगे, भक्ति भाव से रहेंगे, परंतु साथ साथ हम यहाँ के वास्तुकला को भी देखेंगे कि कितना बढ़िया इन्होंने ये सारे निर्माण कार्य किया है। तो खैर, यहाँ पे जब विजयनगर राज्य चल रहा था तो उसके कई लक्षण थे। एक लक्षण ये था कि वो जितने भी राजा हुए इस राज्य में, वो सारे धर्म परायण थे, प्राय ऋषि के समान थे। उनमें से कई ऐसे थे जिनको हम राज ऋषि की पदवी दे सकते हैं, जैसे कि कृष्णदेव राय इत्यादि। और उन्होंने धार्मिक वास्तुकला में बहुत बड़ा योगदान किया है, रिलीजियस आर्किटेक्चर। कितने सारे मंदिर यहाँ पर हैं, और इन 3-4 दिनों में हम सारे स्थानों में नहीं जा पाएंगे। और भी अन्य चीजें हैं जहां पर पर्यटक आदि जाते हैं, वहां पर भी जाने के लिए हमारे पास शायद समय नहीं होगा। फिर भी जितना हो सके हम प्रयास करेंगे। और साथ साथ यहाँ बहुत धनी थे, और ये इतने धर्मपरायण थे कि सारे बड़े बड़े संतों को, भक्तों को, ऋषियों को वो आश्रय प्रदान करते थे। देखिए, यदि आपको याद होगा आपके पाठशाला में पढ़े हुए इतिहास में, कि जहाँ भी किसी भी धर्म के लिए राजकीय आश्रय प्राप्त हो चुका हो तो वो धर्म बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। पहले तो राजतंत्र हुआ करता था, तो राजा ने एक आदेश दे दिया कि सभी को ऐसे बनना है, सभी लोगों को बनना पड़ता था। आजकल प्रजातंत्र है तो सब लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चलते थे।
परंतु यहाँ विजयनगर राज्य के जो राजाएं थे उन्होंने भक्तों को आश्रय दिया, बहुत प्रोत्साहन दिया, तरह तरह की सुविधाएं उनको दे दी। इसलिए उनकी सहायता से, उनके आश्रय में भक्ति का पुनरुत्थान हुआ इस संपूर्ण स्थान में, न केवल यहां पर परंतु आगे चल के सारे भारत में यह फैलने लगा। और ऐसे भी बताया जाता है कि इनमें से कई ऐसे राजा हुए जो अपने आप को किस तरह के पदवी दिया करते थे, गो ब्राह्मण प्रतिपालन आचार्य। गो ब्राह्मण प्रतिपालन आचार्य कि गायों की और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला मैं हूं, वो इस प्रकार से समझते थे अपने आप को, अपना दायित्व, उनका जो कर्तव्य है वो इस प्रकार से देखते थे। और इसके पहले कि हम उन संतों के बारे में चर्चा करें जिनको कि यहां पर आश्रय मिला और प्रोत्साहन मिला, थोड़ा कुछ ये विजयनगर राज्य प्रारंभ कैसे हुआ इसके बारे में दो कुछ शब्द कहें तो ये मेरे ख्याल से उपयुक्त रहेगा। तो 14वीं सदी में 1300 कुछ दो ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम था हुक्का और बुक्का, और वो एक कंपली स्थान के जो राजा थे उनके सेवक थे। तो जो सुल्तान थे उन्होंने आक्रमण किया, कंपली के राजा को हरा दिया, और ये जो हुक्का बुक्का जो उनके मंत्री थे या जो भी उनके निकट के सेवक थे उनको गिरफ्तार कर लिया और वो उनको दिल्ली ले गए। अभी यहाँ कोई ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं, इसलिए इन चीज़ों के बारे में भिन्न मत भी कभी कभी होते हैं। तो प्रमाण न होकर मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे हमने सुना है, पढ़ा है, किस हद तक ये सत्य है मैं नहीं जानता, कि इनको जब ये हुक्का बुक्का को ले जाया गया वहाँ पर तो वो मुसलमान बन गए, उनको बनना पड़ा, फिर उनको वापस भेजा गया कि अब सुल्तनत जो है तुम यहाँ उस भाग में चलाओ हमारा हमारी ओर से। तो जब वो दोनों यहाँ पर आए तो विद्यारण्य नाम के एक सन्यासी थे, उनके प्रभाव में फिर से उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया और हिंदू धर्म को स्वीकार कर दिया। तो ये विद्यारण्य कौन थे, इनका नाम था माधवाचार्य, मध्वाचार्य नहीं, मध्वाचार्य संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो है मध्वाचार्य उडुपी के, वो अलग है, ये है माधवाचार्य। और ये थे श्रृंगेरी शारदा पीठ के गुरु, अद्वैतवाद के अनुयायी थे, तो बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। तो किसी न किसी तरह से वो इनको मिले, वो भी यहाँ पे भ्रमण कर रहे होंगे उस समय, तो उनको मार्गदर्शन करने लगे। एक बार ऐसे कहा जाता है, ऐसे हुआ कि ये लोग शिकार के लिए निकले थे हुक्का और बुक्का, और शिकार करते समय साथ में कई लोग क्या करते थे, वो कुत्तों को रखते थे, जो कुत्ते ढूंढ निकालते थे कि शिकार के लिए कहाँ कौन से खरगोश मिलेंगे, कौन से पशु जानवर कहाँ मिलेंगे। तो एक खरगोश दिखाई पड़ा इन कुत्तों को, तो ये कुत्ते भागने लगे उस खरगोश की ओर। तो साधारणतः क्या होता है कि खरगोश बेचारा अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है, परंतु इस बार अद्भुत बात ये हुई कि जब खरगोश ने देखा कि कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं, तो ये खरगोश है उसने घूम के वो कुत्तों की ओर आक्रमण करना शुरू कर दिया, और कुत्ते तो बिल्कुल चकाचौंध रह गए, ये क्या हो गया। तो हुक्का बुक्का ये सब देख रहे थे, तो उन्होंने सोचा ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो उन्होंने जाके विद्यारण्य से पूछा कि बताइए कि इस ये घटना हमने देखी, अपने आंखों से देखी, तो इसका तात्पर्य क्या है। तो विद्यारण्य ने थोड़े समय के लिए विचार किया और कहा कि मुझे लगता है कि आपको एक राज्य की स्थापना करनी चाहिए, यह स्थान बहुत विशेष है और यहीं पे आप आपके राज्य की राजधानी बनाइए।
और फिर हुक्का वो बन गए हरि हर राय। राय मतलब राजा, पहले क्योंकि दो नंबर के भी हुए हरिहर राय बाद में, तो हरिहर राय एक, और उनके बाद फिर जो बुक्का थे वो बन गए बुक्का राय एक, वो राजा बने, और उनके बाद बने हरिहर राय दो, और इन तीनों के गुरु थे विद्यारण्य। तो विद्यारण्य तो शैव थे, अद्वैतवाद का पालन करते थे, इसलिए विजयनगर राज्य के जो राजाएं थे पहले, अनेक राजाएं वो शैव संप्रदाय से अपने आप को जोड़ते थे, परंतु आगे चल के वैष्णव संतों का संग प्राप्त करके विशेष रूप से मध्वाचार्य, उडुपी के मध्वाचार्य संप्रदाय के संतों का संग प्राप्त करके वो वैष्णव बन गए। और फिर कृष्णदेव राय इत्यादि उनसे पहले से भी सारे राजा वैष्णव बन गए। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर शिव जी के मंदिर भी अवश्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जैसे विरूपाक्ष मंदिर जहाँ पर हम जाने वाले हैं, परंतु बड़े बड़े विष्णु और कृष्ण राम मंदिर भी हैं जिनका निर्माण इन वैष्णव राजाओं ने किया। तो कृष्णदेव राय ये इन विजयनगर राजाओं में से सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। उन्होंने 20 सालों तक राज्य किया, 1509 से लेकर 1529, और तुलुवा वंश के थे वो, बहुत शक्तिशाली थे, और उनके राज्य के समय उनका जो विजयनगर राज्य था बहुत बड़ा हो चुका था। दुर्भाग्य से इतिहास में ज़्यादा इन विषयों को पढ़ाई नहीं जाता है, तो खैर वो बहुत ही लोकप्रिय राजा थे, और उन्होंने अपने प्रजा के कल्याण के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की थी। विशेष करके आप देखेंगे, यदि आप यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, आप जगह जगह जाएंगे तो सिंचाई की व्यवस्था, इरिगेशन, खेती आदि के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है, इसके लिए तरह तरह के उन्होंने व्यवस्थाएं की, पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कहीं सरोवर बनाए, तालाब बनाए, कभी कुएं खोदे बहुत सारे, और फिर पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्होंने ऐसे बहुत सारे व्यवस्थाएं की हैं। और साथ साथ में उन्होंने बहुत सारे मंदिर भी बनाए, और स्वयं बड़े विद्वान थे। जाम्बवती कल्याण नाम का एक के नाम के ग्रंथ की रचना उन्होंने की, परंतु उनका हृदय उदार था। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि केवल जो कृष्ण भक्त है, विष्णु भक्त है, वही यहाँ पर रहेंगे, अन्यों के प्रति हम दुर्व्यवहार करेंगे, जैसे कि अन्य राज्यों में ऐसे हुआ करता था। रामानुजाचार्य की कथा आपको याद है कि कैसे वहाँ राजा ने अन्याय किया उनके प्रति, और रामानुजाचार्य को बीच रात में उस स्थान को छोड़कर जाना पड़ा, फिर वो मेलकोटे में आके रहे अनेक वर्षों तक। परंतु कृष्णदेव राय ऐसे राजा नहीं थे, तो सबके लिए उन्होंने स्थान दिया, परंतु अपनी कृष्ण भक्ति से वो शर्माते नहीं थे, खुलेआम अपनी कृष्ण भक्ति का प्रदर्शन भी किया, और मंदिरों की स्थापना की, और भक्तों को वो आश्रय देते, भक्तों का संग लेते, यहाँ पे तरह तरह के संत आते थे, उनसे उपदेश ग्रहण करते थे वो। तो जब हम 1509 से 1529 की बात करते हैं, तो किन के वो समकालीन थे बताइए? चैतन्य महाप्रभु। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहां पर आए थे, तो उस समय भी इस स्थान के राजा कृष्णदेव राय हुए होंगे, 1510 में लगभग यहां पर आए थे, तो उस समय हो सकता है कृष्णदेव राय भी राज्य कर रहे थे यहां पर। तो जब बाबर आए, जिनसे फिर मुगल राज्य शुरू हुआ, तो लगभग इसी समय बाबर भी आया था ना, तो वो पहला युद्ध हुआ था, आपको याद है, पानीपत का युद्ध इत्यादि, तो वो इसी समय हुआ। जब बाबर यहां पर आए, तो तब तक तो विजयनगर राज्य इतना विशाल था। तो खैर व्यासदेव कृष्णदेव राय ये व्यास तीर्थ नाम के
एक मध्व सन्यासी के, मध्वाचार्य संप्रदाय के सन्यासी के शिष्य थे। और व्यास तीर्थ के बारे में भी हम चर्चा तो अवश्य करेंगे। और जब इन्होंने ऐसे व्यास तीर्थ जैसे भक्तों का संग लिया, उनसे उपदेश पाए, तो फिर बहुत अच्छी तरह से भक्ति का प्रचार प्रसार होने लगा। यहां से बहुत धूमधाम से होता था, यहां पर तरह तरह के अनुष्ठान आदि सब यहां पर मनाए जाते हैं। तो जब कृष्ण देव राय की बात करते हैं तो अवश्य श्रील व्यास तीर्थ की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण देव राय और व्यास तीर्थ दोनों के संयोजन से भक्ति का इतने प्रचुर मात्रा में पुनरुत्थान हुआ, सब जगह भक्ति का पथ फैल गया। तो व्यास तीर्थ के बारे में बताया जाता है कि वो मध्वाचार्य के एक सन्यासी थे, उनके शिष्य थे लक्ष्मीपति तीर्थ। लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य थे माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु। तो अभी आप जान गए कि व्यास तीर्थ कौन है। तो व्यास तीर्थ के बारे में बताया जाता है कि वो द्वैत दार्शनिक सिद्धांत के मुनि त्रयों में से एक है। मुनि त्रय अर्थात तीन मुनि, मध्वाचार्य, जय तीर्थ और व्यास तीर्थ, ये तीनों ही प्रकांड विद्वान थे। और इतनी मेधावी दार्शनिक थे ये तीनों, इसलिए इनको मुनि त्रय के नाम से जाना जाता है। और व्यास तीर्थ जो है ये अनेक विजयनगर के राजाओं के लिए और अन्य राज्यों के राजाओं के लिए भी एक गुरु बन गए, और विशेष रूप से कृष्णदेव राय के लिए। एक बार हुआ ये कि एक अद्वैत विद्वान थे, मायावादी विद्वान, उन्होंने वैष्णव सिद्धांत का खंडन करने के लिए एक पत्र लिखा राजा को, कृष्णदेव राय को, और कहा कि आप जिस वैष्णव सिद्धांत को मानते हैं वो गलत है। तो उन्होंने जो तर्क दिया उसे देखकर राजा थोड़े विचलित हो गए। तो उन्होंने व्यास तीर्थ जी को दिखाया तो व्यास तीर्थ ने इसका पूरी तरह से खंडन कर दिया बड़े विद्वत्ता से। तो कृष्णदेव राय बहुत प्रभावित हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और ऐसे बताया जाता है कि उन्होंने व्यास तीर्थ का रत्नाभिषेक किया, रत्नों से अभिषेक किया, और वो रत्न उनको दे दिए। अब ये तो सन्यासी थे, इतने रत्नों से क्या करते, तो उन्होंने रत्नों को बांट दिया। और ऐसे क्योंकि राजा उनसे इतने प्रसन्न थे, उनको बहुत भूमि भी दे दी, पर वहां पर अपने लिए स्वीकार नहीं की भूमि व्यास तीर्थ ने, उन्होंने वहां पर ऐसी अच्छी व्यवस्था कर दी, विशेष करके सिंचाई आदि के लिए। सन्यासी होकर भी वो चाहते थे, वैष्णव सन्यासी थे, वो भी चाहते थे कि यहाँ लोगों की जीविका के लिए कोई अच्छा उपाय निकाला जाए, और उस समय खेती के अतिरिक्त और कुछ ज्यादा होता नहीं था, तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था वहां पर की। इसलिए राजनीति के क्षेत्र में भी व्यास तीर्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। जो धार्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक और भक्ति का क्षेत्र है, उससे हटकर भी राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत मूल्यवान योगदान रहा है। परंतु हमें याद रखना चाहिए कि व्यास तीर्थ जैसे सन्यासी, इनके लिए राजनीति और धर्म और भक्ति दोनों ही साथ में जुड़े हुए हैं। और ये भी भगवद गीता और भागवतम का संदेश है। वो चाहते थे कि कृष्णदेव राय भी राज ऋषि बने, और वास्तव में कृष्णदेव राय ऐसे बने। हम भागवतम में सुनते हैं युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, पृथु महाराज, ये सब राज ऋषि थे। परंतु हम हमारे समय की के उदाहरण हम जानना चाहते हैं, विरला ही यहां वहां कोई राज ऋषि मिलते हैं, जैसे कोई शिवाजी हो और यहां पर कृष्ण देव राय। तो कलयुग में यदि हमें राज ऋषि के उदाहरण चाहिए तो इस तरह के राजा हैं, जो भी धार्मिक भी थे, भगवान के भक्त भी थे, धर्म परायण होकर अपने राज्य को संभाला करते थे। तो खैर,
व्यास तीर्थ जी ने ये सारी चीजें तो की, परंतु उन्होंने उनका मुख्य योगदान ये रहा कि उन्होंने भक्ति, विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति को बहुत बढ़ाया, विशेष करके हरिदास पंथ को। आप में से जो कर्नाटक के हैं आपने हरिदासों के बारे में अवश्य सुना होगा, परंतु आप में से जो कर्नाटक से नहीं हैं तो आपको बताएं कि हरिदास अर्थात हरि का दास ये एक भक्ति का पंथ था जो प्रकट हुआ विजयनगर राज्य के प्रारंभ होने से थोड़े पहले और विजयनगर राज्य के समाप्त होने के बाद भी ये चलता रहा। तो इसमें वास्तव में ये अपने आप को भगवान कृष्ण के दूत समझते थे, भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे, विशेष रूप से कीर्तन के माध्यम से। और दास साहित्य और कीर्तन, और ऐसे बताया जाता है कि ऐसे हरिदासों के दो वर्ग हुआ करते थे, व्यासकूट और दासकूट। व्यासकूट वो थे जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, दार्शनिक शास्त्रों में और संस्कृत ग्रंथों को वो साधारण लोगों को बहुत सरल भाषा में समझाया करते थे, कीर्तन भी करते थे। जैसे कि श्रीपाद राय व्यास तीर्थ जिनका उल्लेख हमने अभी किया, वादिराज राघवेंद्र, तुंगभद्रा के तट पर मंत्रालय है जहाँ राघवेंद्र स्वामी का मठ है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है। तो ये व्यासकूट रहे, और दूसरे थे दासकूट जो कि केवल कीर्तन करते थे, मस्त होकर बिल्कुल दिव्य आनंद का अनुभव लेते हुए जगह जगह जाकर वो अपने भक्ति गीतों की रचना करते थे और उसको गाते थे, जगह जगह घूमते थे, वो भ्रमण करते रहते थे, बिल्कुल साधारण स्थानीय भाषा में, कन्नड़ भाषा में वो ऐसे भक्ति के पथ को फैलाया करते थे। इनमें से जैसे पुरंदर दास हैं, कनक दास, गोपाल दास, जगन्नाथ दास, वेणुगोपाल दास, विजय दास, ऐसे बहुत दास संप्रदाय के महान भक्त हुए हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो 200-250 साल का जो एक अवधि है भारत के इतिहास में, जहाँ पर हरिदासों का प्रचार इतना बढ़ा, सारे भारतवर्ष में ऐसे ही हो रहा था। आप देखेंगे गुजरात में नरसिंह मेहता थे लगभग उसी समय, उससे थोड़ा पहले, फिर महाराष्ट्र में एक दो शतक बाद में तुकाराम जी आए, उधर तुकाराम से पहले राजस्थान और ब्रज में मीराबाई आई, फिर ब्रज में सूरदास आए, उधर अन्य स्थानों में उत्तर भारत में तुलसीदास जी आए, उधर आसाम में शंकर देव आए, और फिर चैतन्य महाप्रभु का नाम कैसे भूल सकते हैं, वो भी तो समकालीन थे, वो भी संगीत के माध्यम से भक्ति को फैलाया करते थे, हरिनाम संकीर्तन। तो भक्ति के रास्ते में संगीत का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज है जिसका अनुभव करते हुए सबका हृदय जो है वो खिल उठता है, चित्त जो है वो प्रसन्न हो जाता है। हम आजकल के तथाकथित संगीत की बात नहीं करते हैं, वो प्रामाणिक संगीत जो कि भक्ति से संबंधित है। श्रील प्रभुपाद जी भागवत के तात्पर्य में एक जगह कहते हैं कि सप्त स्वर सारे गम पधनी, ये केवल भगवान का गुणगान करने के लिए ही बनाया गया है। नारद जी ऐसे अपने वीणा पे सप्त स्वर में जगह जगह जाकर भगवान का गुणगान करते थे। तो जहां संगीत का प्रयोग भक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से होता है तो वो ठीक नहीं है, वो माया है। तो खैर, यहां पर संगीत के माध्यम जितने भी नाम मैंने आपको दिए वो सब भक्ति के गीत गाते थे। तो काराम के अभंग हैं, आप सब जानते हैं, जो बेलगाम से है, महाराष्ट्र से है या कर्नाटक के अन्य भागों से भी,
तो कराम के अभंग नरसिंह मेहता ने भी कितने सारे सुंदर गीत लिखे। बचपन में हमने कंठस्थ किया था वैष्णव जन तो ते ने कहिए, आप सबने सुना होगा। नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता, मीरा बाई के भजन भी कितने प्रसिद्ध हैं, सूरदास, तुलसीदास, और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने भी साधारण बंगला भाषा में भक्ति के सबसे ऊंचे सिद्धांतों का विवरण और स्पष्टीकरण किया ताकि आम व्यक्ति भी समझ पाए कि कृष्ण भक्ति क्या है, मनुष्य जीवन क्या है। तो आप देखेंगे कि ये 250 सालों का जो अवधि है, ये भारत में एक मान लीजिए कि एक प्रकार का विस्फोट हुआ। किसका विस्फोट? भक्ति का विस्फोट, संगीत के माध्यम से। और उसमें यहाँ इस स्थान का, हम्पी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुरंदर दास जी और कनक दास थे, दोनों ब्राह्मण कुल से नहीं थे। तो और एक जो महत्वपूर्ण चीज व्यासतीर्थ ने की, उन्होंने ऐसे भक्तों को जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था, उनको भी वो भक्ति के मुख्य धारा में लेकर आए। क्योंकि जो व्यासकूट आदि थे, जो आचार्य थे, जो सन्यासी थे, वो परंपरागत केवल ब्राह्मण कुलों में से जन्म लिए होते थे। परंतु अब समाज में तो ब्राह्मणों के अतिरिक्त और बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनका क्या होगा? तो व्यास तीर्थ जी का हृदय बड़ा विशाल था, उदार हृदय के थे और भक्ति के मूल तत्वों को इतनी अच्छी तरह से समझते थे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ ऐसे अच्छे भक्त आए हैं जो अपने हृदय के भाव को व्यक्त करना चाहते हैं संगीत के माध्यम से, तो उन्होंने पूरा आश्रय और प्रोत्साहन उनको प्रदान किया और इसलिए पुरंदर दास और कनक दास दोनों उनके शिष्य बन गए। कनक दास की कथा आपने उडुपी में सुनी होगी, उनके लिए भगवान घूम गए फिर गए, एक दिशा में मुख था, कनक दास को दर्शन देने के लिए भगवान घूम गए। पुरंदर दास भी ऐसे ही थे, बहुत प्रसिद्ध। उन्होंने ऐसे कहा जाता है कि 75,000 ऐसे उन्होंने गीत लिखे भक्ति के, परंतु उनमें से लगभग अभी शायद 1,000 ही ऐसे कोई गीत बचे हैं अभी, बाकी सब नहीं रहे। और यहाँ पर पुरंदर मंडप है जहाँ पुरंदर दास यहाँ हम्पी में रहा करते थे, और ऐसे बताया जाता है कि वो वहाँ पर बैठ के वो अपने गीतों की रचना करते थे कन्नड़ भाषा में। दुर्भाग्यवश मैं कन्नड़ भाषा नहीं समझता हूँ, इसलिए पुरंदर दास के जो गीत हैं उनको मैं समझ नहीं पाता हूँ। परंतु आज मैंने भक्तों से निवेदन किया है, थोड़े कन्नड़ भाषी भक्त हैं जो पुरंदर दास के एक या दो छोटे भजनों को गाएंगे कन्नड़ भाषा में, साधारण कन्नड़ भाषा में, और उनका तात्पर्य, उनका जो अर्थ है, मैं आपको पहले से सुना देता हूँ। और हाँ, ये कहना उचित रहेगा कि जैसे उत्तर भारत में शास्त्रीय संगीत होता है ना, जयपुर घराना, ग्वालियर घराना और ये सब अलग अलग घराने होते हैं शास्त्रीय संगीत के, वैसे दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत है। तो कर्नाटक संगीत में पुरंदर दास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप जिनको पूछिए, आप ऐसे कोई कर्नाटक संगीत सीखते हैं या सिखाते पढ़ाते हैं या गीत गाते हैं, तो पुरंदर दास का महत्व है ना, बहुत ज्यादा महत्व है। तो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गीत गाए, गीतों की रचना की, आज भी उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष जनवरी फरवरी के समय लगभग यहाँ पर एक संगीत समारोह होता है। और शास्त्रीय संगीत के जो बड़े बड़े जाने माने राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने जो शास्त्रीय संगीतकार होते हैं, गायक होते हैं इत्यादि, वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ रह के कई दिनों तक पुरंदर दास के भजन गाते हैं और अन्य भक्ति के गीत भी गाते हैं। शायद यहाँ
हम्पी में जो हॉस्पिटल में रहने वाले भक्त कोई बता सकते हैं कि आजकल भी ऐसे होता है, यहाँ हो रहा है, आज भी आजकल होता है, नहीं हो रहा है? तो देखिए ये हमारे संस्कृति का ह्रास कैसे होते जा रहा है, इसको ऐसी चीज़ों को पुनः जागृत करना चाहिए। ये हुआ करता था, अब शायद बंद हो गया है। तो खैर, अभी हमने देखा रामायण से लेकर अभी पिछले कई सालों तक किष्किंधा का इतिहास। तो भी यह हम्पी का महत्व केवल रामलीला का नहीं है। अब देखिए पुरंदरदास, व्यास तीर्थ, कनकदास, ऐसे महान भक्तों की ये भजन स्थली भी है यहाँ पर। तो जो गीत वो गाने वाले हैं, मैं कन्नड़ नहीं पढ़ूंगा, हालांकि देवनागरी में लिखा है, परंतु केवल उसका अनुवाद मैं पढ़ूंगा। चार पंक्तियां हैं। एक पंक्ति है कि उस पायस में, पायस जानते हैं ना, उस पायस में जिसका नाम है राम, आपने यदि उस शक्कर को मिलाया जिसका नाम है कृष्ण, और उसमें फिर थोड़ा घी डाल दिया जिसका नाम है विट्ठल, फिर ऐसे पायस को अपने मुंह में रख के खूब चख लो। जब आप एकाग्रता नाम के गेहूं को ले आएंगे और उसको चूर करेंगे उस उखल में जिसका नाम है विरक्ति, और उसमें मासूमियत नाम के छास को आप मिलाएंगे, तो ऐसे एक सेवई बना लो और उसको चख लो। फिर कहते हैं और एक कुंभ, एक मटका है जिसको हृदय कहते हैं, और वहां पे ऐसे चना उसमें डालो, उसको उबालो, जिसको हम भाव कहते हैं, और फिर ऐसे एक पदार्थ बनाओ जिसको हम भक्ति, जो भक्ति कहलाती है, और फिर एक किसी पात्र में उसे अन्यों को ग्रहण करने के लिए दे दो। और जब हम इसे खाते हैं बड़े आनंद से, और जब आनंद, फिर वो आनंद के लक्षण आने लगते, उस समय तो दिव्य पुरंदर विट्ठल, विट्ठल जो पंढरपुर में रहते हैं, उनका स्मरण करना। तो ऐसे एक पंक्ति है जो हमारे भक्त गाने वाले हैं अभी। तो इसके पहले जो और थोड़े कार्यक्रम हैं वो भी हम सुन लेते हैं, परंतु तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल सुबह के बारे में सूचनाएं भी आपको दी जाएंगी। तो सुबह से हम निकलेंगे अंजनेयाद्री पर्वत हनुमान जी के स्थान में, वहां से पंपा सरोवर, वहां से लौट के आएंगे, फिर प्रसाद लेके शाम को पुनः यहाँ पर कथा करेंगे। श्री किष्किंधा क्षेत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा।